का हेलोवीन एसिड मास्क है, बहुत आपका मेकअप जो सिंपल मेकअप भी करोगे ना अच्छा लगेगा, और उसके आएगा विक्रोली जाना है शादी में। शीट लगाने के बाद फिर चूल्हे के पास आप लोग को नहीं आना है फ्रेंड्स, फिर सिखाया खड़े रह के कि कैसे मेकअप बनाते हैं। रेडी हो चुकी हूँ शादी में जाने के लिए। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग सब अच्छे से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं इवनिंग से, क्योंकि आज हम लोग को जाना है एक शादी में। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ फेस पे मास्क, तो आज मैं थोड़ा सा आपको रेडी होके बताऊंगी यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए ये फेस पे मैंने मास्क लगाया है, और ये बहुत टाइम से मैं यूज कर रही हूँ ये मास्क। तो ये अलग अलग मतलब उसमें आता है, वराइटीज में आता है। और ये जो मैं लगा रही हूँ ये गार्नियर का हेलोनिक एसिड मास्क है, बहुत हाइड्रेटिंग रहता है और पूरा फेस जो है आपका ना एकदम सॉफ्ट हो जाता है। इसको फेस पे लगाने के बाद आपको रेस्ट करना है जस्ट 15 से 20 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट्स हो चुके हैं, तो मैं इसको निकाल दिया है। ये फेस मास्क में एक अच्छी खासियत ये भी है कि इसके अंदर हेलोनिक एसिड के साथ साथ ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट भी है, और इसके अंदर जितना भी वो रहेगा सीरम, जो सीरम है इसके अंदर वो लेना है फेस पे और पूरे फेस पे अप्लाई कर देना है। ये पूरे सीरम को अप्लाई करने के बाद उससे 5 से 6 मिनट जितना आपके पास टाइम है, 5 मिनट 7 मिनट 2 मिनट जितना आपके पास टाइम है उतना अच्छे से इसका मसाज करना है। पूरा सीरम निकाल के वो अच्छे से मैं मसाज कर लेती हूँ, पूरे फेस पे मसाज कर लेती हूँ 5 मिनट तक, क्योंकि ये वन टाइम यूज है और इसको रखना है नहीं। तो चलो मिलते हैं 5 मिनट बाद। तो 5 मिनट मैंने अच्छे से मसाज किया है, और अभी ये फेस को मतलब धोना नहीं है, ऐसे ही रख देना है फेस को मतलब। और उसके बाद में जब आप मेकअप करोगे उस टाइम पे फेस वॉश करना और अच्छे से मेकअप करना। मेकअप करने से पहले मॉइस्चराइज लगाना जरूरी है। तो जब आप ऐसे करोगे, ये स्टेप फॉलो करोगे, तो आपका मेकअप जो सिंपल मेकअप भी करोगे ना अच्छा लगेगा, और उसके आएगा। तो चलिए अभी आपके भाई को दिया है कपड़े इस्त्री करने के लिए, क्योंकि अभी आज हम लोग को जाना है शादी में। आपके भाई बताएंगे किसकी शादी में जाना है आज, किसकी शादी में जाना है? दोस्त की बहन की। दोस्त की बहन की शादी में मतलब विक्रोली, विक्रोली जाना है शादी में। पकड़ो ना, मैं तो काम हो गया, थोड़ा प्रेस कर रहा हूँ कपड़े। और कपड़े प्रेस करना है, जब से क्या कर रहे थे आप? सोया थे जब से। अभी शादी में जाना है और नबीला को खाना है भजिया, तो देखे क्या कर रही है किचन में। अभी मैं इतना गुस्सा कर रही थी नबीला के ऊपर, आप ही बताओ कैसे चलेगा। अभी जाना है हम लोग को शादी में, अभी 1 घंटा ही बाकी है सिर्फ रेडी होने के लिए, 1 घंटे से भी कम मगरी बाद हम लोग को निकलना है। और यहाँ पर नबीला को खाना है भजिया, और जो मैंने फेस पे जो लगाया था मास्क, वो शीट लगाने के बाद फिर चूल्हे के पास आप लोग को नहीं आना है फ्रेंड्स। और यहाँ पे अब नबीला को खाना है, उसने काटी है सब कुछ यहाँ पर अभी वो छोटी है, उसको भजिया थोड़ी बनाने में दे सकती हूँ, और मुझे ही आके खड़े रहना पड़ रहा है अभी यहाँ पे कढ़ाई के पास। तो मैं भी वही इसको गुस्सा कर रही थी। फिर यहाँ पे भजिया तलने भी मैंने रख दिया था एक साइड में, आपके भाई को मैं गुस्सा कर रही थी क्योंकि एसी नहीं चल रही है और इतना गर्म हो रहा था। बाप रे, किचन के पास बहुत गर्म होता है, एसी रखी हुई है, लगी भी तो है पर चलती नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने साथ ही साथ नबीला को थोड़ा खड़ा करा अपने सामने, मैंने बोला भजिए टर्न करो करके। तो फिर मैंने साथ ही साथ नबीला को अपने साथ रख के यहाँ पे सिखाया खड़े रह के कि कैसे मतलब बनाते हैं। वैसे वो थोड़ा टर्न वगैरह करना रहता है भजिए, तो वो कर देती है, वो थोड़ा बहुत ऊपर का काम वो उसको आ जाता है। फिर उसने यहाँ पे चाय बनाई थी और साथ ही में यहाँ पे भजिया भी रेडी हो गया था, तो मैंने आपके भाई को भी दिया, वो वहाँ पे इस्त्री कर रहे थे। फिर आपके भाई ने भी मतलब चाय और भजिया इंजॉय किया, और यहाँ पे वो कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने भी अपने कपड़े मतलब निकाल के दे दिए थे उनको इस्त्री करने के लिए। और यहाँ पे देखिए नबीला रेडी हो रही है, तो आयरन कर रही है, और साथ ही साथ मैंने ये वाला ड्रेस पहना है सिंपल सा, और अभी वही मैं बाल वगैरह भी बता रही हूँ आपको, पहला लुक बता रही हूँ अपना बिना मेकअप का। तो चलिए अभी मेकअप स्टार्ट करते हैं,
तो यहाँ पे मैंने फिर मेकअप स्टार्ट किया। यहाँ पे पहले मैंने लगाया मॉइस्चराइजर, उसके बाद मैंने लगाया फेस पे अपने स्किन टोन का फाउंडेशन। और पीछे आप देख रहे हो कि नबीला भी साथ ही साथ रेडी हो रही है और मुझे ये पूछ रही थी मेरा आखिर का मेकअप कैसा है, सही है क्या। तो मैंने उसको भी बताया कि कैसा है। और उसके बाद में मैं अपना फेस पे लगा रही थी कॉम्पैक्ट। तो यहाँ पे मैंने बहुत लाइट सा सिंपल सा मेकअप किया है, जस्ट मॉइस्चराइज लगाया है, फाउंडेशन लगाया है और उसके बाद में कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया है, अच्छे से इवन करके पूरे फेस पे लगाया है और लाइट ब्लश लगाया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अब मस्कारा और लिपस्टिक लगा लूंगी, फिर देन आई एम डन। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ शादी में जाने के लिए और नबीता भी रेडी हो रही है, बस 5 मिनट बाकी है उसका। अभी जाके देखती हूँ कितनी रेडी हुई है वो। फाइनल वो भी रेडी हो चुकी है और सिंपल सा मतलब बाल ऐसे ही रखा है। अभी देखूंगी वहां पे जाके मतलब कैसा गेटअप लूंगी, बाल मतलब खोलूंगी कैसे रहूंगी, गर्म बहुत हो रहा है। और ये देखिए सिंपल सा ड्रेस है और सजीरा नेकलेस पहना है, सिंपल सा मेकअप किया है। और जो मैंने आप लोगों को बताया है ना जो मास्क के बारे में, वो आप लोग कभी शादी में या कोई फंक्शन आपको अटेंड करना है तो वो मास्क आप जरूर एक बार ट्राई करना मेरे तरीके से। मतलब मैं जब भी मतलब कोई ऐसा खास ओकेजन होता है, शादी बर्थडे खास ऐसा कोई ओकेजन होता है, तो उस टाइम पे मैं मास्क यूज करती हूँ। पार्लर नहीं जाती है क्योंकि वो ज्यादा इजी हो जाता है, और पार्लर में मतलब जाने के लिए काफी टाइम लग जाता है। और चलिए फिर अभी इस बारे में बताऊंगी। तो आपको अगर ऐसा होते ना में अगर आपको ग्लो चाहिए फेस पे तो आप इस तरीके का मास्क ला के रखिए अपने घर पे और आप यूज कीजिए ओकेजन पे यानी कि जाने से पहला, तो बहुत अच्छा ग्लो आएगा फेस पे। ठीक है देखते हैं चलो नबीला की रेडी हुई। आ जाइए, रेडी हो गए, रेडी हो गए। रेडी हाँ क्या बोलते नबीला इसको, घाघरा, नबीला ने यहाँ पे घाघरा पहना है जी, अच्छा मेकअप। और हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे क्या मैंने क्या पहना है। सिंपल कपड़ा, अस्सलाम वालेकुम, देखिए आप हॉल पर आए शादी में, आप भी एंजॉय करना सारी देखिए। यहाँ पे पिंकी आप और मैं वही बात कर रहे थे कि न्यू कपल है, न्यू लाइफ न्यू की स्टार्ट हो रही है, तो इन लोग के लिए काफी मतलब जैसे दुआएं हम दे रहे थे और उस बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन वो वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो चलिए फ्रेंड्स इसके लिए सॉरी। थ्योरी को दुआ दो, मैं दोनों थ्योरी सलाम। अभी आप लोग भी मतलब दुआ देना कि हम लोग जिनकी शादी में आए हैं, जिनका नया जोड़ा है और नई लाइफ लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक मतलब उनकी लाइफ में खुशियां भर दे और दोनों खुश रहे हमेशा साथ साथ। तो ये मेरी दुआ है, आप लोग भी दुआ देना हम लोग को। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या है, बने रहिए वीडियो। बाबू को देखो, बाबू सलाम करो, ठीक है करो, सलाम वालेकुम करो। शर्मा रहा है, बाबू की तरफ से मैं बोल देती हूँ पापा से सलाम वालेकुम। तो नबीला तो देखो, फिर यहाँ पे दुल्हन की हो रही थी एंट्री, तो यहाँ पर देखिए दुल्हन को लेके जाया जा रहा है और बहुत ही खास मोमेंट होता है हर लड़की की लाइफ में, ये टाइम जो ये पल होता है बहुत खास होता है। और हमारी दुल्हन साहिबा भी बहुत प्यारी खूबसूरत लग रही थी, तो आप लोग एक बार माशाल्लाह इनको जरूर बोलना। खाना हो गया, खाना भी खा लिया नंदोला और दुल्हन से मांगी दुआ के लिए उसको। और अब जाते हैं घर, टाइम हो रहा है 11 बज रहा है, घर जाने की तैयारी है। आप लोग को हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।